Hello all, welcome to the video lecture series of integrated circuits. Subject code is KEC501 and here we are in lecture number 15. So previous lecture mein hum logon ne kya baat ki thi? Previous lecture mein hum logon ne start kiya tha band pass filter. Basically what is band pass filter? Jo ek particular range ko pass karta hai, particular set of range ko pass karta hai, jisme humne bola tha FL se lekar FS tak ki range ko aapka band pass filter pass karta hai. देन हमने उसकी बैंड पास फिल्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स थे लाइक सेंटर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है और डिजाइनिंग हम बैंड पास फिल्टर की कैसे करते हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने वहाँ पर डिस्कस की थी दैट इज क्वालिटी फैक्टर, कि क्वालिटी फैक्टर अगर लेस देन 10 होता है देन इट इज कॉल्ड अ वाइड बैंड पास फिल्टर जो कि हम फर्स्ट ऑर्डर बैंड पास फिल्टर बोलते हैं और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. एंड इफ क्वालिटी फैक्टर इज ग्रेटर देन 10 देन इट इज कॉल्ड अ नैरो बैंड पास फिल्टर जिसकी हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर. ठीक है, ओके. सो इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे दिस इज सेकेंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर. बैंड पास फिल्टर सेकेंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर फंक्शन बेस्ड ऑन सर्किट डायग्राम, सबसे पहले सर्किट देन ट्रांसफर फंक्शन. फ्रॉम दैट ट्रांसफर फंक्शन वी विल ड्राइव द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और वहीं से हम फॉर्मूले या मैं कह सकता हूँ कुछ न्यूमेरिकल स्टेप ड्राइव करते हैं जिनके थ्रू हम अपने सेकेंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर को डिजाइन कर सकते हैं. सो वी विल ऑल्सो सी द डिजाइनिंग पार्ट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ व्हाट इज सेकेंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर ऑल्सो नोन एज नैरो बैंड पास फिल्टर. सो हियर इज द सर्किट डायग्राम ऑफ योर सेकेंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन ऑप एम्प. इफ यू रिमेंबर हमने लास्ट लेक्चर में किया था फर्स्ट ऑर्डर बैंड पास फिल्टर विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई पास एंड अ लो पास सर्किट. ठीक है, हाई पास और लो पास फिल्टर का कॉम्बिनेशन करके हमारा वो बैंड पास फिल्टर बना था. सो अगर मैं उस बैंड पास फिल्टर की बात करूं तो मिनिमम एक ऑप एम्प हाई पास में आएगा, एक ऑप एम्प लो पास में आएगा, तो मिनिमम टू ऑप एम्प वहां पे यूज हुए थे. बट अगर मैं चाहता हूं कि मेरा बैंड पास फिल्टर एक ही ऑप एम्प का यूज करके बन जाए तो उस केस में उस बैंड पास फिल्टर को हम बोलते हैं सिंगल ऑप एम्प बैंड पास फिल्टर, सिंगल ऑप एम्प बैंड पास फिल्टर. एंड दिस बैंड पास फिल्टर इज नथिंग बट सेकेंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर जिसे हम बोल रहे हैं नैरो बैंड पास फिल्टर. अनदर थिंग जो आप इस डायग्राम से रेफर कर सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर अगर अब तक आप देखेंगे तो हमारे नेगेटिव टर्मिनल से केवल एक फीडबैक जाता था, अब यहाँ पे डबल फीडबैक आपका नेगेटिव टर्मिनल से जा रहा है. लाइक यहाँ पे एक है रेजिस्टेंस R2 और एक है आपका कैपेसिटेंस C1. तो बेसिकली दिस इज मोर देन वन फीडबैक पाथ इन दिस नैरो बैंड पास फिल्टर सर्किट. सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल फीडबैक फिल्टर, मल्टीपल फीडबैक फिल्टर. ओके, सो एक ही टॉपिक है मेरे पास बट डिफरेंट नेम्स हैं, लाइक सेकेंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर है, नैरो बैंड पास फिल्टर है, सिंगल ऑप एम्प बैंड पास फिल्टर है या फिर मल्टीपल फीडबैक फिल्टर के नाम से आपको पूछा जाता है. सो वी हैव टू डिस्कस दिस सेम टॉपिक. ओके, सो सर्किट डायग्राम आप लोगों का हो गया. तो सर्किट डायग्राम से सबसे पहली चीज जो हम ड्राइव करते हैं वो क्या ड्राइव करते हैं? ट्रांसफर फंक्शन. और ट्रांसफर फंक्शन को ड्राइव करने के लिए हमें सर्किट को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? जी हाँ, लाप्लास डोमेन. तो आप इस सर्किट को सबसे पहले लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करेंगे. तो लाप्लास में कन्वर्ट करेंगे तो क्या चेंजेस होगा सर्किट में? ये जो कैपेसिटेंस लगे हैं दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 1/SC1, 1/SC2. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज ट्रांसफर फंक्शन ऑफ नैरो बैंड पास फिल्टर. अब हम ट्रांसफर फंक्शन ड्राइव करने जा रहे हैं. फॉर दैट आई हैव कन्वर्टेड द गिवन सर्किट इनटू लाप्लास डोमेन जो कि आप देख सकते हैं. दिस इज वी इन, दिस इज रेजिस्टेंस R1, कोई चेंज नहीं हुआ. दिस इज रेजिस्टेंस R3, कोई चेंज नहीं है. यहाँ पे आपका कैपेसिटेंस था, ऊपर आपका कैपेसिटेंस था. दिस विल कन्वर्टेड इनटू 1/C of S, 1/C of S. बिकॉज हियर इट विल पुट अ कंडीशन, वी विल पुट अ कंडीशन और वी विल लेट अ कंडीशन फॉर अवर सिंप्लीफिकेशन दैट बोथ द कैपेसिटर्स हैव द इक्वल वैल्यू. दैट मीन्स C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C. ओके, देन अदर देन देयर इज रेस्ट ऑफ नथिंग विल बी चेंज इन दिस सर्किट एज इट इज है आपका सर्किट. केवल आपका सी जो है वो लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट हो गया. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस. तो सबसे पहले ऑप एम्प में एनालिसिस करने के लिए हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव नोड की वोल्टेज. तो यहाँ पे पॉजिटिव नोड की वोल्टेज क्या है? 0. तो नेगेटिव नोड पे वोल्टेज भी क्या हो जाएगी? 0 वोल्ट. अब हम क्या करते थे? हम इस नेगेटिव नोड पे KCL लगाते थे. तो नेगेटिव नोड पे केसीएल लगाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ करंट दिखा रखे हैं, इसमें अज्यूम कर रखे हैं. दिस इज अवर I3 करंट एंड दिस ब्रांच टेक हैज I5 करंट.
दिस इज आई थ्री एंड दिस इज आई फाइव. सो अगर मैं इस बी नोड पे केसीएल अप्लाई करता हूं तो माई इनकमिंग करंट इज आई थ्री इज इक्वल टू आई फाइव. सो अप्लाई द केसीएल ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड, जो कि हम देख चुके हैं कि वोल्टेज एट नोड बी दैट इज वीबी बिकम्स जीरो. नाउ अप्लाई केसीएल एट नोड बी, वी गेट इनपुट करंट दैट इज आई थ्री इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट दैट इज आई फाइव. नाउ राइट द वैल्यू ऑफ आई थ्री. अब आई थ्री की वैल्यू लिखेंगे तो दिस इज इनिशियल वोल्टेज जो कि इस ए नोड पे है, जो कि ना तो वी इन है ना ही ग्राउंडेड है. सो आई हैव लेट द वोल्टेज ओवर हियर दैट इज सपोज वी ए. सो वी ए माइनस दिस वोल्टेज इज जीरो, तो वी ए माइनस जीरो डिवाइडेड बाय वन बाय सी एस इज इक्वल टू जीरो माइनस वी नॉट डिवाइड बाय आर टू. और अगर हम यहां से वी ए को सॉल्व कर लें तो वी ए मुझे मिल जाएगा माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय आर टू सी एस. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वी वन वी ए गेटिंग गेट फ्रॉम द KCL applied at this negative node. Okay, अब एक negative node analysis हो गया, but जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, पहले बोला है कि this is a multiple feedback bandpass filter. So यहाँ पे एक feedback branch ये थी जहाँ हमने KCL apply कर लिया. Similarly, there is another feedback branch over there जहाँ पे मुझे KCL apply करना पड़ेगा. So अब हम इस node A पे KCL apply करेंगे. So once we apply the KCL over node A, this is the incoming current I1 is equal to I2 प्लस I3 प्लस I4, बिकॉज ऑल थ्री ब्रांच आर आउट गोइंग. सो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4. सो लेट्स अप्लाई द KCL. जब आप KCL यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई KCL एट नोड A, वी विल गेट I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4, I2 प्लस I3 प्लस I4. नाउ राइट डाउन द वैल्यू. सो I1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, दिस इज द इनपुट वोल्टेज वी इन माइनस आउटपुट फाइनल वोल्टेज दैट इज वी ए. सो वी इन माइनस वी ए डिवाइड बाय आर वन इज इक्वल टू हियर इट इज वी ए माइनस जीरो डिवाइड बाय आर थ्री. तो वी ए माइनस जीरो डिवाइड बाय आर थ्री प्लस यहाँ से ए टू बी जो ब्रांच जा रही है, दिस इज वी ए माइनस यहाँ पे वोल्टेज क्या थी जीरो, तो वी ए माइनस जीरो डिवाइड बाय वन बाय एस सी. वी ए माइनस जीरो डिवाइड बाय वन बाय एस सी एंड देन वी ए माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय वन बाय सी एस. तो वी ए माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय वन बाय सी एस. ओके, देन वी ए वाले कंपोनेंट एक साथ ले लीजिए, वी ए अपॉन आर वन प्लस वी ए अपॉन आर थ्री प्लस वी एन टू सी एस और वी एन टू सी एस माइनस वी नॉट सी एस यहाँ पे. और ये जो लेफ्ट हैंड साइड से कंपोनेंट था माइनस वी ए बाय आर वन, वो आपका राइट हैंड साइड पे चला गया. ओके, नाउ वी ए वाले टर्म्स एक साथ, तो मैंने यहाँ वी ए का पूरा एलसीएम ले लिया और वी नॉट वाली टर्म जो थी वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई. सो दिस कैन बी रिटन एज वी इन बाय आर वन प्लस वी नॉट ऑफ सी एस इज इक्वल टू इस टर्म में से आपने वी ए को कर दिया कॉमन विद द एलसीएम ऑफ आर वन आर थ्री. सो यहाँ पे आपका बचेगा एक आर थ्री, यहाँ पे हो जाएगा एक आर वन और ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे ट्वाइस सी एस. तो ट्वाइस सी एस में मल्टीप्लाई हो जाएगा आर वन आर थ्री. सो वी विल गेट दिस इक्वेशन. नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ वी नॉट वी ए जो हमने लास्ट पहले के सी एल में कैलकुलेट की थी कि वी ए इज इक्वल टू माइनस वी नॉट आर टू सी एस. तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर दूँ, दिस वी ए इज रिप्लेस बाय माइनस ऑफ वी नॉट आर टू सी एस. सो आफ्टर पुटिंग दिस वी गॉट द इक्वेशन इन दिस देर इज अ टर्म ओनली इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज एंड वी हैव टू कैलकुलेट आउटपुट बाय इनपुट. तो कैसे आएगा, तो इसे करने के लिए हमें करना पड़ेगा वी नॉट वाले टर्म एक साइड ठीक और वी इन एक साइड. तो V0 वाले टर्म एक साथ ले गए तो V इन बाय R1 आपका लेफ्ट हैंड साइड पे रह गया. ये जो V0 CS है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में कर देंगे तो हो जाएगा माइनस V0 बाय CS एंड टेक द कंप्लीट LCM. सो दिस इज माइनस V0 कॉमन तो CS प्लस दिस टर्म, देन वी टेक द LCM R1 R2 R3 C ऑफ S. देन आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट दिस इक्वेशन V0 बाय Vin इज इक्वल टू माइनस R2 R3 CS डिवाइडेड बाय R1 R2 R3 C स्क्वायर S स्क्वायर प्लस ट्वाइस R1 R3 CS प्लस R1 प्लस R3. ओके, सो एज वी प्रीवियसली डू दैट हम इस ट्रांसफर फंक्शन को किससे कंपेयर करते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म से. और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी अगर आपको याद हो तो नीचे एस स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है वो हमेशा क्या होता है, वो वन होता है. तो अल्टीमेटली अगर मुझे इसे वन बनाना है तो इस पोर्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमन. सो आर वन आर टू आर थ्री सी स्क्वायर को आप कॉमन यहाँ पे कर सकते हैं. जैसे ही आप इसे कॉमन करेंगे दिस टर्म कैन बी रिटन एज माइनस वन अपॉन आर वन सी, बिकॉज आर वन आर टू आर थ्री सी स्क्वायर कॉमन लिया तो आर टू आर थ्री सी कैंसिल हो जाएगा, इसके अपॉन में भी आएगा आर वन आर टू आर थ्री सी स्क्वायर ठीक है. तो यहाँ पे आर वन बचेगा, आर टू आर थ्री कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा. सो वी हैव आर वन एंड सी. सो माइनस वन बाय आर वन सी देन एस स्क्वायर प्लस इसके अपॉन में भी इसी तरह से क्या बचेगा आर टू सी और सिमिलरली आर वन प्लस आर थ्री डिवाइड बाय आर वन आर टू आर थ्री सी स्क्वायर. नाउ दिस ट्रांसफर फंक्शन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म जिससे मैं इजिली कंपेयर कर सकते हैं. ओके, सो नाउ वी हैव द ट्रांसफर फंक्शन वी नॉट बाय वी इन इज इक्वल टू दिस. आफ्टर दैट
हम क्या ड्राइव करते हैं, तो अगर ट्रांसफर फंक्शन आपसे पूछा जा रहा है तो ट्रांसफर फंक्शन यहां तक आपका ड्राइव हो गया, दिस इज द आंसर फॉर ट्रांसफर फंक्शन। अगर आपसे ट्रांसफर फंक्शन ड्राइव करने को बोला गया, योर आंसर इज फिनिश। बट अगर आपसे बोला गया नाउ व्हाट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या ड्राइव द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ नैरो बैंड पास फिल्टर, सो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्राइव करने के लिए जैसा कि हमने पहले भी किया है, वी हैव टू कंपेयर द कैलकुलेटेड ट्रांसफर फंक्शन विद द स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन। So what is that standard transfer function? The standard transfer function for a band pass filter is given by this value, AF alpha omega ns divided by s square plus alpha omega ns plus omega n square. अगर आप इसे लो पास या बैंड हाई पास से कंपेयर करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर टर्म एज इट इज है, बट आपकी एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे एड ऑन हो गई है। अगर आपको याद हो AF alpha omega ns divided by s square plus alpha omega ns plus omega n square. Now compare the calculated with the standard. So omega n square की जगह क्या रखा है, omega n square की जगह रखा है r1 plus r3 divided by r1 r2 r3 c square. So omega n square is equal to r1 r plus r3 divided by this. Omega n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 by whole under root. अगर मुझे ओमेगा एन कैलकुलेट करना है तो होल अंडर रूट, होल अंडर रूट का मतलब है जो सी स्क्वायर है ये बाहर आ जाएगा और ये रहेगा 1 by c अंडर रूट ऑफ r1 plus r3 divided by r1 r2 r3. Then one want to calculate the cutoff frequency, so omega की जगह होता है 2 pi f, तो अगर आप f की value calculate करेंगे तो right hand side में हो जाएगा 1 over 2 pi and then 1 over 2 pi c under root of r1 plus r3 divided by r1 r2 r3. तो this is the expression for the cutoff frequency in case of narrow band pass filter. Cutoff frequency का derivation अगर आपको पूछा जा रहा है so उस case में आपको यहाँ तक drive करना पड़ेगा. Okay, next how will we design the narrow band pass filter? तो अगर डिजाइनिंग की बात करूं तो यहां पे मेरे पास कौन कौन से कंपोनेंट हैं, यहां पे मेरे पास कंपोनेंट है R1 है, R2 है, R3 है और उसके बाद C1 है जिसे हमने C2 के इक्वल करके C मान लिया था. तो जैसे कि हमें पता है C को तो हम लेट ही करते हैं तो ये तो लेट हो जाएगा 0.01 माइक्रोफेरेड. बट इसके अलावा मेरे पास तीन रेजिस्टेंस वैल्यू हैं R1, R2, R3 जो मुझे कैलकुलेट करनी है इफ आई वॉन्ट टू डिजाइन माई नैरो बैंड पास फिल्टर. तो ये कैसे डिजाइन होंगी, तो सबसे पहली चीज हमें क्या गिवन होती है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी. अब नैरो बैंड पास फिल्टर में बिकॉज यहाँ पे तीन अननोन मेरे पास हैं तो यहाँ पे तीन ही वैल्यूज आपको गिवन होती है नैरो बैंड पास फिल्टर में. लाइक फर्स्टली हमें क्या गिवन होता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूँ, यहाँ पे आपके पास फॉर्मूले में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, अगर यहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन भी होगी सो भी तब भी मेरे पास यहाँ पे तीनों अननोन है, आर वन भी अननोन है, आर टू भी अननोन है, आर थ्री भी अननोन है और सी जो कि मुझे नोन है डेट इज 0.01 माइक्रोफेरेड. डैट मीन्स यहाँ से मेरा आर वन आर टू आर थ्री कैलकुलेट नहीं हो सकता अभी. ठीक, डैट मीन्स अगर मुझे डिजाइनिंग के लिए आर वन आर टू आर थ्री कैलकुलेट करना है तो हम दूसरी वैल्यूज भी कंपेयर करते हैं. कौन सी वैल्यू कंपेयर करते थे, अब अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ अगर नीचे वाला टर्म कंपेयर करेंगे एस का कोफिशियंट तो यहाँ पे आपका अल्फा ओमेगा एन, दिस अल्फा ओमेगा एन इज इक्वलेंट टू 2 बाय आर टू सी. सो अल्फा ओमेगा एन इज इक्वल टू 2 बाय आर टू सी. ओके, एक इक्वेशन ये हो गई. ऐसे ही अगर आप ऊपर वाले पार्ट को कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर पार्ट को तो एस का जो कोफिशियंट है यहाँ भी एस का कोफिशियंट है, दैट इज ए एफ अल्फा ओमेगा एन. So AF alpha omega n, AF alpha omega n is equal to minus 1 upon R1 C. Okay, so alpha omega n की value क्या है, 2 by R2 C. AF alpha omega n की क्या है, minus 1 by R1 C. So अगर आप इन दोनों को divide ही कर देंगे, simply आप alpha omega n की value को यहाँ place कर दें 2 by R2 C. So AF की value क्या हो जाएगी, AF into 2 by R2 C is equal to 1 by R1 C negative. तो C से C आपका कैंसिल हो रहा है, R2 आपका ऊपर चला जाएगा, यानी AF कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ ट्वाइस R2 डिवाइडेड बाय R1. यानी जो गेन मुझे गिवन होता है फिल्टर का इन द क्वेश्चन कि आपको एक गेन फिल्टर गेन गिवन होगा तो उस वाले फिल्टर गेन से हम यहाँ पे एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस ट्वाइस R2 बाय R1. बट अगेन यहाँ पे दो अननोन रेजिस्टेंस हैं और मेरे पास गेन गिवन क्वांटिटी एक ही है तो फिर से मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकता, मुझे एटलीस्ट एक रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए. ओके, नाउ एक और फॉर्मूला हमारे पास था तो ये जो अभी हमने लिखा वो ये हो गया आपका अल्फा ओमेगा एन एफ ओमेगा एन एंड वी हैव कैलकुलेटेड दिस वैल्यू ऑफ एफ. नाउ विद दिस सेम फॉर्मूला अल्फा ओमेगा एन वी कैन रिटर्न एज टू आर टू बाई सी, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा. अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी, ट्वाइस अपॉन आर टू ओमेगा एन सी.
ठीक। अब अगर आपको याद हो अल्फा की वैल्यू हम लेते थे 1.414 इन केस ऑफ बटरवर्थ फिल्टर, 1.054 इन केस ऑफ शेविशेव, 1.73 इन केस ऑफ बेसल्स। ओके, सो अगर अल्फा मुझे नोन है तो इस फॉर्मूले से अननोन क्या बचा? भाई सी आपने लेट कर लिया, ओमेगा इज योर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि आपको गिवन आएगी, आप ओमेगा की जगह 2πf रख देते हैं तो एफ आपको गिवन होगा, सो ओमेगा एन भी गिवन, एक तरह से नोन हो गया और अल्फा भी नोन हो गया। सो अननोन क्या बचा? अननोन बचा केवल और केवल मेरा आर टू। तो यहां से मैं आर टू को कैलकुलेट कर लूंगा और जैसे ही मेरा R2 कैलकुलेट हो जाएगा, सो फ्रॉम दिस AF फॉर्मूला बिकॉज मुझे गेन गिवन होगा तो यहां से मेरा R1 कैलकुलेट हो जाएगा और जैसे ही मेरा R1 और R2 कैलकुलेट हो जाता है तो जो मेरा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला है, दैट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेज FC इज इक्वल टू 1/2πC R1 प्लस R3 डिवाइड बाय R1 R2 R3। सो R2 आपको यहां से मिल गया, R1 आपको यहां से मिल गया फ्रॉम दिस फॉर्मूला। तो अननोन क्या बचा इस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में अननोन बचा R3। तो मैंने यहाँ पे R3 को देखिए सॉल्व भी किया हुआ है, अदरवाइज आप नहीं भी सॉल्व करेंगे, आप डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर ही यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू पुट करके R3 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया कि दोनों साइड का स्क्वायर लिया, देन R3 की वैल्यू को सॉल्व किया, तो वी गेट द R3 वैल्यू R1 डिवाइड बाय 4πC² R1 R2 माइनस 1। आप इस फॉर्मूले का यूज करके भी R3 को कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट इट? सो वी हैव ऑल द थ्री रेजिस्टेंस वैल्यू, R1 को कैसे निकालना है, R2 को कैसे कैलकुलेट करना है, R3 को कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, सो दीज आर द डिजाइन स्टेप्स, वी कैन से दीज आर द डिजाइन स्टेप्स बाय विच वी कैन डिजाइन अवर नैरो बैंड पास फिल्टर। तो चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं जिससे हमें डिजाइनिंग और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सो लेट अस टेक अ क्वेश्चन, दैट इज डिजाइन द नैरो बैंड पास फिल्टर विद टू फीडबैक पाथ्स। तो टू फीडबैक पाथ से ही मुझे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल फीडबैक पाथ हैं, दैट मीन्स आई हैव टू डिजाइन नैरो बैंड पास फिल्टर, सेकेंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर, और दूसरा भी नाम दिया गया है यू हैव टू डिजाइन नैरो बैंड पास फिल्टर। तो दोनों ही नाम से आपको पहचान हो जाएगी कि आपको बेसिकली डिजाइन क्या करना है। नाउ वॉट आर द गिवन वैल्यूज? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, देयर इज अ क्वालिटी फैक्टर एंड देयर इज अ AF। नाउ वन थिंग वॉट आई लेफ्ट इन द प्रीवियस स्लाइड कि मैंने बोला अल्फा आपको गिवन होता है 1.414, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वालिटी फैक्टर भी गिवन हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। सो इफ यू हैव गिवन क्वालिटी फैक्टर, देन क्वालिटी फैक्टर एंड अल्फा इज रिलेटेड बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। यानी अगर आपको क्वेश्चन के अंदर क्वालिटी फैक्टर दिया गया है सो मैं अल्फा ड्राइव करूंगा, अल्फा इज इक्वल टू 1/Q, और अगर मुझे नहीं दिया गया तो फिर मैं अल्फा की वैल्यू को बाय डिफॉल्ट क्या लेके चलूंगा, 1.414 इन केस ऑफ बटरवर्थ फिल्टर। ओके, तो जैसा कि हमारे इस क्वेश्चन में है, इन क्वेश्चन हमें Q की वैल्यू गिवन है, तो अगर Q की वैल्यू गिवन है तो मैं यहां से अल्फा को कैलकुलेट करूंगा, दैट इज 1/Q। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव राइट दिस लाइन दैट C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C, और हमने इसे क्या लेट कर लिया, 0.01 माइक्रो फैरेड। नाउ वी हैव Q इज इक्वल टू 7, FC इज इक्वल टू 15 एंड AF इज इक्वल टू 15। सो प्रीवियस वन Q की वैल्यू क्या थी, 1/α, और अल्फा मुझे पता है, तो अगर इसका इन्वर्स कर दिया तो Q का फॉर्मूला बन जाता है R2 ओमेगा एन C/2। तो यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया हुआ है, Q इज इक्वल टू R2 ओमेगा एन C/2। तो यहाँ पे आपका ओमेगा एन, दिस इज अ नोन बिकॉज ओमेगा एन की जगह आप क्या रख लेंगे, 2πfc, ओमेगा एन इज इक्वल टू 2πfc एंड FC इज नोन, R2 अननोन है, C नोन हो गया 0.01 माइक्रोफेरेड, और Q मुझे क्वेश्चन में गिवन है 7। So from this formula, I can calculate the value of R2, and this after putting the value, R2 becomes 14.86 kilo ohm. Now the second formula I have, that is the value of AF. AF ki value thi R2 by 2R1 with negative sign. R2 by 2R1 with negative sign. So negative sign ka mujhe yahan kuch nahi karna, I will take the mod. To ye negative ka kya ho jayega, positive. Now AF is given 15. So 15 is equal to R2 divided by 2R1. और क्योंकि R2 आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, सो अब इस फॉर्मूले से हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, इस फॉर्मूले से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा R1। एंड वंस वी नो द R1 R2 वैल्यू, देन आई सिंपली कैलकुलेट द R3 वैल्यू बाय द फॉर्मूला जो हमने कैलकुलेट किया था, R1 डिवाइड बाय 4πC² C² R1 R2 माइनस 1। इसमें जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ R3। सो आफ्टर कैलकुलेशन व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट? फाइनल रिजल्ट इज द सर्किट डायग्राम। सर्किट इज द मेन थिंग इन माई ऑल द फिल्टर डिजाइनिंग, ऑल द फिल्टर क्वेश्चन, तो सर्किट ही आपको मेनली बनाना है।
सो आपके पास सारी वैल्यू आ चुकी हैं, R1, R2, R3. नाउ सिंपली ड्रॉ द सर्किट. दिस इज द वैल्यू ऑफ R1, दिस इज द वैल्यू ऑफ R2 ओवर हियर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ R3 ओवर हियर एंड बोथ द CR इक्वल टू 0.01 माइक्रोफेरड. सो दिस इज ऑल अबाउट कि सेकेंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डिजाइनिंग ऑफ सेकेंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर. सो विद दिस आपका सेकेंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर फिनिश हो जाता है. मीन्स अगर मैं ये कह सकता हूँ कि बैंड पास फिल्टर आपका ओवर हो जाता है. हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर देखा था. ओवर हियर वी कैन सी वी हैव सीन सेकेंड ऑर्डर फिल्टर. अब सिमिलरली जो आपका फिल्टर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, दिस इज बैंड रिजेक्ट फिल्टर. तो इसमें भी वही सेम चीज आएगी, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर. सो स्टे ट्यून, तब तक के लिए आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू.